दोस्तों अगर आपका भी YouTube चैनल है तो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करने से आपके चैनल पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है और साथ ही क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो कि दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन को अगर आप ऑन कर लेते हैं तो आपके चैनल का ईमेल और पासवर्ड भी किसी को पता चल जाता है, तभी वो आपके चैनल को लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर दोस्तों वो आपके चैनल को लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो उसे एक ओटीपी मांगा जाएगा, जो ओटीपी आपके पहले से जिस मोबाइल में लॉगिन है उस मोबाइल पर जाएगा। तो अगर आप उस ओटीपी को उसे बता देंगे तो वो आपके चैनल को इजीली लॉगिन कर लेगा, और अगर आप उस ओटीपी को नहीं बताएंगे तो वो आपके चैनल को लॉगिन नहीं कर पाएगा। यानी कि दोस्तों ये टू स्टेप वेरिफिकेशन आपके लिए एक सिक्योरिटी का काम करता है, तो इसे इनेबल करना तो हमारा फर्ज बनता है हमें अपने चैनल को सेफ्टी के लिए। वैसे तो दोस्तों वह हैकर भी काफी हाई लेवल तक पहुँच गया है, वह किसी लिंक के जरिए आपके मोबाइल डिवाइस को हैक कर लेता है और फिर वो आपके टू स्टेप वेरिफिकेशन को ही तोड़ डालता है और इस तरह से वो आपके चैनल को हैक कर लेता है। तो दोस्तों आपको कोई भी सा फालतू लिंक पर क्लिक नहीं करना है, और अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल नहीं करते हैं तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना ही होगा, और ये आपके सेफ्टी के लिए ज़रूरी भी है। और इसके अलावा भी दोस्तों आपको लाइव स्ट्रीम करने के लिए भी आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना होगा, तो अभी आप लाइव स्ट्रीम को कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों लाइव स्ट्रीम करने का कुछ अलग ही क्राइटेरिया होता है, लेकिन दोस्तों उसमें एक यह भी है कि आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को भी इनेबल करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलकर आपको बताता हूँ कि आखिर ये टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना होगा, तो इस क्रोम ब्राउजर में जाएंगे। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर studio.youtube.com सर्च मारना है। तो दोस्तों सिर्फ स्टूडियो को ही लिखने पर यहाँ पर studio.youtube.com आ जाता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा। तो दोस्तों आपको इस YouTube मोनेटाइजेशन वाला पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको जिस भी चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन करना है तो उसे आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप दूसरा चैनल को भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको जिस भी चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना है तो उसे लॉगिन कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों आपके पास यहां पर चार ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें सब्सक्राइबर्स, इसमें है वॉच टाइम, इसमें है टू स्टेप वेरिफिकेशन और इसमें है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। तो दोस्तों आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना है तो इस टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला में जाएंगे। इसमें जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो दोस्तों आपको इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों अब आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। दोस्तों इसमें आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप जिस भी चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उस चैनल के ईमेल आईडी को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सारा जीमेल आईडी दिख जाएगा, तो आप अपने चैनल को ईमेल आईडी से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इसी जीमेल के यूट्यूब चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करना है, तो अब आपको क्या करना है, इस वाला जीमेल का यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो सिंपली से आपको अपना पासवर्ड डाल देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर लिखा होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो अब आपको यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करना है और आपको कंटिन्यू कर देना है। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। चलिए मैं अपना डालता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें लिखा है टेक्स्ट मैसेज, इसमें लिखा है फ़ोन कॉल, यानी कि आप किस तरीके से ओटीपी को पाना चाहते हैं। तो मैं मैसेज के थ्रू ओटीपी को पाना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करूँगा और इसके बाद आपको सेंड पर क्लिक करना है। तो अब दोस्तों आपने जो भी नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी गया होगा, तो सिंपली से आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। डाल देने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो अब दोस्तों आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया है, तो आपको सिंपली से यहाँ से अब टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन पूरी तरह से इनेबल हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ टू स्टेप वेरिफिकेशन पर सही का निशान आ गया है, यानी कि आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो गया है।
तो दोस्तों इस तरह आप भी अपने चैनल के जीमेल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि आप किस तरह से अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।